हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और अभी के इस वीडियो में एक छोटा सा अपडेट जो कि मुझे लगा कि आप सबके बीच शेयर करनी चाहिए। जैसे कि आप जानते होंगे तो अभी का टाइम जो है फेस्टिवल टाइम है, मतलब सीजनेबल टाइम होता है हमारे अगरबत्ती बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी टाइम में जो है काफ़ी सारे त्यौहार्स जो है, मैं बोलूँ तो अभी गणपति जी अभी विराजमान होने वाले हैं, क्योंकि चतुर्थी आने वाली है, गणपति चतुर्थी। उसके बाद आने वाले टाइम पे भी जो है नवरात्र भी शुरुआत जो है हो जाएंगी, उसके बाद दिवाली आ जाने वाली है। तो ये टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँ तो बिजीनेस वाला टाइम होता है। मतलब देखा जाए तो काफ़ी सारे जो तैयारियाँ होती हैं अगरबत्ती प्रोडक्शन को लेकर और जो प्रोडक्ट बनाने को प्रोसेस को लेकर, तो काफ़ी बिजी जो है हर एक लोग रहते हैं बिजनेस में। और उसी तरीके से जो है अभी भी हमारा काफ़ी सारे जो है वर्किंग प्रोसेस में काफ़ी टाइम जो है जा रहा है, जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स जो हैं जिनको काफ़ी सारे चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सपोज़ रॉ अगरबत्तीज हो गई, परफ्यूम्स हो गए, मसाला अगरबत्ती की काफ़ी सारी मैंने अभी वीडियोज़ रिसेंट टाइम में अपलोड की, और परफ्यूम्स की भी काफ़ी सारे जो है रिसेंट टाइम में वीडियोज़ अपलोड की हुई है। तो कस्टमर का क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे जो है अल्टीमेट कॉल्स जो है आ रहे हैं, उसके साथ साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप में डिटेल्स के लिए कि प्लीज़ आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसका डिटेल्स आप बताइए, चाहे रॉ अगरबत्ती हो, परफ्यूम्स हो, मसाला अगरबत्ती की रेंज हो, पैकेजिंग मटेरियल हो या अदर प्रोडक्ट, जिसमें इंक्वायरीज है कि प्राइस क्या होगा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी। सो इसके बेस में क्या है ना, काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर्स को हम लोग रिसेंट टाइम पे रिप्लाईज नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो कॉल पे हो या फिर व्हाट्सअप मैसेजेस पे, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है मैसेजेस का कि मैं बोलूँ तो सभी को जो है रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और सभी लोगों के जो कॉल्स भी अटेंड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सो इसमें काफ़ी सारे कस्टमर्स ये नाराज़ हैं, और काफ़ी सारे जो है मैसेज भी मेरे को ये देखने को मिले कि सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सपोज़ मैं दिखाऊं तो आज मॉर्निंग का मैं कॉल दिखाऊं तो कितने सारे अभी नंबर्स जो हैं अभी भी मिस कॉल पे होल्ड हैं, मतलब रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूं। रीज़न ये कि सीज़न टाइम की होने की वजह से कस्टमर का कॉल्स स्वाभाविक सी बात है वो तो आएंगे ही, क्योंकि सीज़न में सबको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती रहती है। और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी भी कस्टमर को मैं रिप्लाई नहीं करूँ, बिल्कुल मेरे पास अगर सडनली टाइम होता है तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं इस कस्टमर का फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करूंगा या मैसेज में रिप्लाई नहीं करूंगा। जब भी मुझे टाइम मिलता है एवरी डे, संडे का भी दिन भी मैं कम से कम 6 से 7 या फिर 10 कॉल अटेंड कर ही लेता हूं कि किसी भी कस्टमर का जो है समय ख़राब ना हो और उनकी जो समस्याएँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या कुछ रिक्वायरमेंट है उनका मैं आंसर दे सकूँ। और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम कस्टमर की हमेशा हेल्प करते रहेंगे और आगे जारी भी रहेगी। हालांकि अभी सीज़न टाइम होने की वजह से कुछ कुछ चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, और आने वाले टाइम में आप सभी का, सभी जो कस्टमर्स हैं उनका टाइम टू टाइम मैसेज और कॉल्स का रिप्लाई किया जाएगा। और अभी के टाइम पे आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की काफ़ी सारी बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ। भगवान विश्वकर्मा आपके व्यापार को नई प्रसिद्धि दे और आपके व्यापार में एक नई समृद्धि लाए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।